स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी के परेड मैदान में पहुंचकर ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 6 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया और साथ ही अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री सभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, होमगार्ड, प्रांतीय रक्षा दल एवं एनसीसी के। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने देश की आज़ादी एवं माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले महानायकों का स्मरण किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण किया। वहीं इस अवसर पर कांग्रेस के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने सभी कांग्रेस जनों को संबोधित भी किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरीश रावत ने कहा कि आज का दिन हमारे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है और आज के दिन को हम प्रणाम करते हैं। हम हमारे राष्ट्रीय ध्वज को प्रणाम करते हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण विधानसभा ने ध्वजारोहण किया और सभी देश व प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। साथ ही विधानसभा परिसर में पौधारोपण भी किया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि आज पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारा देश ही नहीं बल्कि हमारा राज्य उत्तराखंड भी सीएम धामी के नेतृत्व में प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है और विकास की नई नई नींव रखी जा रही है। हम आज देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। ये दिन हमारे लिए गौरवपूर्ण और पावन है। इस दिन हम उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हैं। जहां देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी लोगों से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मेरी माटी मेरा देश अभियान का आह्वान किया है, जिसको लेकर देश भर में जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। मां सरस्वती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा तिरंगा यात्रा के नाम से तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बच्चों ने भाग लिया है। ये तिरंगा यात्रा हरिद्वार के बहादराबाद क्षेत्र में निकाली गई है। 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम कर सबका मन मोह लिया। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं राज्य के कई जनपदों में रेड अलर्ट व जिला हरिद्वार में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। 13 अगस्त से 17 अगस्त तक भारी बरसात की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते जिलाधिकारी हरिद्वार धीरज सिंह गब्रियाल ने आज सभी स्कूलों की छुट्टी की घोषणा की हुई है। वहीं पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के चलते रुड़की से गुजरने वाली सोलानी नदी में भारी पानी आने से नदी उफान पर चलने से किसानों की फसलें भी तबाह हो गई हैं और आसपास के लोगों को भी खतरा सता रहा है। आपको पता है कि सोनाली नदी का थोड़ा जलस्तर बढ़ा है, तो उसमें जो भी गांव हैं या जो भी शहर के क्षेत्र हैं, जो भी नदी के किनारे लगे हुए क्षेत्र हैं जहां थोड़ा पानी आने की आशंका है, तो उन्हीं सभी को सूचित किया जाता है कि आप लोग अगर ऐसा होता है तो आप सुरक्षित स्थानों पर चले जाएँ और नदी के मतलब अपने घरों से अगर आपको शिफ्ट भी होना पड़े तो वो भी हम पूरी व्यवस्था करवा देंगे। आप लोग बिल्कुल भी नदी के निकट ना जाए ताकि कोई जनहानि या कोई और टाइप की हानि ना हो।